नमस्कार। आशावान होने के उदाहरण न केवल भारत में बल्कि विश्व के अनेक देशों में देखे जा सकते हैं, जिसे ऑस्ट्रेलिया में जन्मे निकोलस जेम्स व्यूजिस, इंडियाना के रॉल्फ विलियम ब्राउन और अमेरिका के विल्मा रुडॉल्फ। आज इन्हीं में से एक आशावान व्यक्ति के रूप में अमेरिकन एथलीट विल्मा रुडॉल्फ के जीवन से हम आपको परिचित कराएंगे। धन्यवाद। विल्मा रुडॉल्फ का जन्म 1939 में अमेरिका के टेनेसी राज्य के एक कस्बे में हुआ था। विल्मा के पिता रुडॉल्फ कुली और मां सर्वेंट का काम करती थी। विल्मा 22 भाई बहनों में 19वें नंबर की थी। विल्मा बचपन से ही बेहद बीमार रहती थी। 4 साल की उम्र में विल्मा रुडॉल्फ को पोलियो हो गया और वो विकलांग हो गई। विल्मा रुडॉल्फ कैलिपर्स के सहारे चलती थी। डॉक्टरों ने हार मान ली और कह दिया कि वह कभी भी जमीन पर बिना सहारे के नहीं चल पाएगी। विल्मा रुडॉल्फ की मां सकारात्मक मनोवृत्ति की महिला थी और उन्होंने विल्मा को प्रेरित किया और कहा कि तुम कुछ भी कर सकती हो, इस संसार में नामुमकिन कुछ भी नहीं। विल्मा ने अपनी मां से कहा, क्या मैं दुनिया की सबसे तेज धावक बन सकती हूँ? मां ने विल्मा से कहा कि ईश्वर पर विश्वास, मेहनत और लगन से तुम जो चाहो वो प्राप्त कर सकती हो। नौ साल की उम्र में उसने जिद करके अपने ब्रेस्ट निकलवा दिए और चलना प्रारंभ किया। कैलिपर्स उतार देने के बाद चलने के प्रयास में वह कई बार चोटिल हुई और अत्यंत दर्द सहना पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी एवं लगातार कोशिश करती गई। आखिर में जीत उसी की हुई और 1-2 वर्ष बाद वह बिना किसी सहारे के चलने में कामयाब हो गई। उसने 13 वर्ष की उम्र में अपनी पहली दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और अंतिम स्थान पर आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी और लगातार दौड़ प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेती गई। कई बार हारने के बावजूद वह पीछे नहीं हटी और कोशिश करती गई। आखिरकार एक ऐसा दिन भी आया जब उसने प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया। 15 वर्ष की अवस्था में उसने टेनेसी राज्य विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, जहां उसे कोच एड टेम्पल मिले। विल्मा ने टेम्पल को अपनी इच्छा बताई और कहा कि वह सबसे तेज धाविका बनना चाहती है। कोच ने उससे कहा, तुम्हारी इसी इच्छा शक्ति की वजह से कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता और मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा। विल्मा ने लगातार कड़ी मेहनत की और एक दिन उसे ओलंपिक में भाग लेने का मौका मिल ही गया। विल्मा का सामना एक ऐसी धाविका से हुआ जिसे अभी तक कोई नहीं हरा सका था, जिसका नाम था जुता हैन। पहली रेस 100 मीटर की थी, जिसमें विल्मा ने जुता को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। फिर दूसरी रेस 200 मीटर में भी विल्मा के सामने जुता ही थी। इसमें भी विल्मा ने जुता को हरा दिया और दूसरा स्वर्ण पदक जीत लिया। तीसरी दौड़ 400 मीटर की रिले रेस थी और विल्मा का मुकाबला एक बार फिर जुता हैन से ही था। रिले में रेस का आखिरी हिस्सा टीम का सबसे तेज एथलीट ही दौड़ता है। विल्मा की टीम के 3 लोग रिले रेस के शुरुआती 3 हिस्से में दौड़े और आसानी से बैटन बदली। जब विल्मा के दौड़ने की बारी आई, उससे बैटन छूट गई, लेकिन विल्मा ने देख लिया कि दूसरे छोर पर जुता हैन तेजी से दौड़ी चली आ रही है। विल्मा ने गिरी हुई बैटन उठाई और मशीन की तरह तेजी से दौड़ी और जुता को तीसरी बार भी हराया और अपना 3रा गोल्ड मेडल जीता। विल्मा ने हमेशा अपनी जीत का सारा श्रेय
अपनी माँ को दिया, क्योंकि माँ ने ही उनके अंदर इस आशा को जगाए रखा कि तुम चल सकती हो, तुम दौड़ सकती हो, तुम सब कुछ कर सकती हो। इसी आशा और विश्वास से वल्मा ने असंभव को संभव कर दिखाया। हम सभी को वल्मा रुडॉल्फ के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए।